नमस्कार मित्रों, फॉर पी एजुकेशन यूट्यूब चैनल में तमारु फरी एक बार स्वागत है। दोस्तों, जीएसआरटीसी कंडक्टर रिजल्ट आ गयु और तेमनु जे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है तो हाल चालू थी गयु है। दोस्तों तो दोस्तों जो अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र की खराई संदर्भ में रजू करवाना पुराव है तना विषय आज आ वीडियो आप रहना है। दोस्तों तो दोस्तों तमारे जे अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों ने निमणूक आपता पहला जाति संबंधना सामान्य वहीवट विभाग 22/10/2018 ठराव मुजब तेमज जे समयांतरे थयेल सुधारा अनुसार अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों ने जाति प्रमाणपत्र की चकासणी आदिजाति विभाग हेठ जे समिति है ये द्वारा रजू करवानी चकासणी करवानी रहेशे। दोस्तों आथी जे कमिश्नर श्री आदिजाति द्वारा प्रमाणपत्र की खराई संदर्भ जे नीचे मुजबना जे पुरावा वाला है 1-11 ते पुरावा स्व अरजी रजू करवाना रहेशे। दोस्तों कमिश्नर श्री आदिजाति द्वारा जे उम्मीदवार अनुसूचित जातिना उम्मीदवारों तरीके मान्यता अपाशे तेज उम्मीदवारों ने अनुसूचित जनजाति में अनामत लाभ मळवा पात्र रहेशे। दोस्तों अनुसूचित जनजाति है, दोस्तों हूँ जाति बोलियो सॉरी, अनुसूचित जनजाति है। दोस्तों हमें दोस्तों जो अनुसूचित जनजाति में अनामत लाभ मळवा पात्र थशे तेमनी निमणूक अंगेनी जे आगळनी कार्यवाही करवामां आवशे, अन्यथा जनरल कक्षाना जे कटऑफ मेरिट में समावेश थतो हशे तो ते पण अरजी पत्रक रद्द करवामां आवशे। दोस्तों खास ध्यान राखजो। दोस्तों हवे नमूनो एक जोईए तो दोस्तों उम्मीदवारना जे शाळा छोड्यानी प्रमाणपत्रनी छे ए नकल तमारे होवी जोईए। दोस्तों त्यारबाद दोस्तों आग वधु में जोईए तो जे उम्मीदवारों धोरण 1 में जे शाळा में दाखल थयेल होय ते शाळाना जे वयपत्रकनो उतारो छे शाळाना आचार्यश्रीनी प्रमाणित करेल नकल छे ए असल में रजू करवानी रहेशे। दोस्तों उम्मीदवारना जे जातिना प्रमाणपत्रो जेटला मेळवेला होय ए तमाम हवे उम्मीदवारना जे पिताना शाळा छोड्यानुं प्रमाणपत्र उम्मीदवारना पिता धोरण 1 में जे शाळामां दाखल थयेल होय ते शाळाना वयपत्रकनो उतारो अने शाळाना आचार्यश्रीनी प्रमाणित करेली नकल असल रजू करवानी रहेशे। दोस्तों हवे उम्मीदवारना जे दाखला तरीके दादा धोरण 1 में जे शाळामां दाखल थयेल होय ते शाळाना वयपत्रकनो उतारो अने शाळाना आचार्यश्रीनी प्रमाणित करेली नकल हवे उम्मीदवारना पिताना जातिनुं प्रमाणपत्र उम्मीदवारना पेढीनामानुं दादानुं जे परदादानी जेथी शरू करेल छे उम्मीदवारनुं जे असलमां रजू करवानुं रहेशे। दोस्तों उम्मीदवारना जे पेढीनामा मुजब वाली वारसो पैकीनी जमीननी गामना नमूनानी जे 7/12 અને 8/8ની जे जनसेवा केन्द्रना सही सिक्कावाळी जे नक्कल छे ए प्रमाणित करेली नक्कल होवी जोईए। गामना जे नमूना 7/12 मुजब सरकारनी जे 4/4/1961ના जे जाहेरनामा मुजब 73A ની नोंधणीवाळी गामनी जे नमूना 6ની नक्कल प्रमाणित करेली होवी जोईए। दोस्तों जे गामना नमूना मुजब 7/12 मुजब जे सरकार श्री 1/1/1981ના जे जाहेरनामा मुजब 73AA ની नोंधणीवाळी जे गामनी नमूनानी 6ની नक्कल सौ प्रमाणित होवी जोईए। दोस्तों दोस्तों 11મો નંબર છે ગીર બરડા અને અલીચાના જંગલના જે નેસ વિસ્તારમાં રહેતા જે રબારી ચારણ અને બરવાડાના કિસ્સામાં ભારત સરકારના ગૃહ મંત્રાલય દ્વારા 29/10/1956ના જાહેરનામાના દિવસે કે તે પહેલાં ગીર અલિયા અને બરડા જંગલના નેસ વિસ્તારમાં રહેતા અને તેમના પૂર્વજોના સીધી લીટીના વારસદાર કે કેમ તેની ખાતરી કરવી ઉક્ત વિસ્તારના જે ઈસમની વર્ષ 1947 થી 1956 સુધીની જે મસવાડી પહોંચી માન્ય ગણવી જોઈએ અસલ રજૂ કરવું જોઈએ. દોસ્તો સદર મસવાડી પહોંચ ફોરેસ્ટ ખાતકે પાસે ખરેખર આવી મસવાડી પહોંચમાં લખેલ નામથી તેનું જાતિ પ્રમાણ ખરાઈ કરવાનું હોય ત્યાં સુધીનું પેઢીનામું તે ગામના તલાટી ખમંત્ર રૂબરૂપ કરાવેલું રજૂ કરેલું હોવું જોઈએ. દોસ્તો અસલમાં રજૂ કરવું જોઈએ. દોસ્તો દોસ્તો તમે જોઈ શકો છો કે જાતિનું પ્રમાણપત્ર છે અનુસૂચિત જનજાતિના જે પ્રમાણપત્રની જે ખરાઈ સંદર્ભે જે રજૂ કરવાના પુરાવો છે તેના વિશેનો આજનો આપણે વિડીયો જોયો. દોસ્તો તમે જોઈ શકો છો. દોસ્તો તો દોસ્તો મળીએ આગલા વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, વંદે માતરમ અને આપણી આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ન ભૂલતા.